कर लो, आप लोग भांडो, आपसे जो कर रहे हैं वो करना पड़ेगा। बेटा मैं तेरा टाइम मैनेज कैसे एडजस्ट करूं? नहीं नहीं। हेलो ब्रो, कैसे हो? हे, आई एम फाइन, एंड यू? आई एम आल्सो फाइन। जब आप फाइन हो तो मुझे क्या हो सकता है? नाइस ना? यस नाइस। बच्चों दी वी आर डूइंग एंड वी आर अपकमिंग स्टार्स, वी आर गोइंग छाबड़ा ऑफिस। या या या। हाय फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू मुकेश छाबड़ा ऑफिस, जो कि दिल्ली में खुला है, पहली बार खुला है दिल्ली में। मतलब इससे पहले भी था लेकिन अब ये रीओपन हुआ है और ये दूसरी जगह हुआ है और आज सर खुद वहाँ आ रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम जाएंगे, देखते हैं कैसे क्या जाएंगे, तो हम आपको पूरा रूट बताएंगे। ठीक है, हमारे साथ बने रही है, मज़ा आ रहा है, कुत्ता बकचोदी हो रही है फल। हेलो दोस्तों, आज का हमारा व्लॉग स्टार्ट होता है, हम जा रहे हैं मुकेश छाबड़ा कास्टिंग ऑफिस। अगर दोस्तों आपका भी एक्टर बनने का सपना है तो दोस्तों आप भी वहां जा सकते हैं और अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दे सकते हैं। फिर अगर आपका लुक किसी भी कैरेक्टर में जाएगा तो दोस्तों आपको डेफिनेटली सर की टीम कॉल करेंगे और आज मुकेश सर वहाँ पर खुद आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूँ, दिल्ली में MCCC कास्टिंग ऑफिस खुल रहा है, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। तो दोस्तों आप वीडियो में एंड तक बने रही है, मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जा सकते हैं, कहां पर सर का ऑफिस है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहिए, मैं आपको अपडेट दूंगा। बाय। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं होस खास पहुंच चुका हूं और होस खास आपको उतरना पड़ेगा अगर सर के ऑफिस पे जाना है। तो दोस्तों आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि व्लॉग के साथ साथ ये आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन वीडियो भी है। इस चैनल पे आपको हर चीज़ मिलेगी, वेरियस नाम है इस चैनल का, तो जो भी आपकी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो मैं सारी अपलोड करूँगा। अभी मैं होस खास मेट्रो स्टेशन से एग्जिट कर रहा हूँ, वहाँ पर SDA मार्केट है। तो दोस्तों आप भी SDA मार्केट पहुँच जाना, आप मंडे टू फ्राइडे आप जा सकते हो और अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो दे सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊंगा ऑफिस एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे है। तो बाय बाय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद। हेलो दोस्तों, फाइनली मैं आ चुका हूँ और यहाँ पीछे ही सर का ऑफिस है और बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है। और मैं आपको बता दूँ, एड्रेस C8 SDA मार्केट होज खास। तो दोस्तों आप जब भी आओ तो ये सर का एड्रेस रहेगा और सर अभी आ रहे ही होंगे क्योंकि बारिश बहुत ज़बरदस्त हो रही है यार, बारिश ने काम खराब कर दिया। बाकी आप देख सकते हो ये भीड़ जितनी भी पीछे है, ये सब सर से मिलने आए हैं और सर से बात करने आए हैं क्योंकि सर एक्ट्रेस से मिलने आ रहे हैं। तो ये भीड़ इस कारण भी, और आज भी आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, बाकी मंडे टू फ्राइडे इंट्रोडक्शन रहेगा। तो बाय बाय दोस्तों, अभी सर कुछ ही देर में आएंगे तो मैं उनसे मिलूंगा, उनसे बात करेंगे, वो क्या एक्ट्रेस को टिप्स देते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाय बाय, जब तक ध्यान रखना, एंड तक बने रहना। बाय। अच्छी बात है ना, लोग हरियाणा में एक्टर मिलते नहीं, करने को तो क्या भाषा के पीछे पड़ा है, अच्छी एक्टिंग कर ले तो हरियाणा में बंगाली क्या फर्क पड़ता है। सर एक्टिंग में मतलब मेरे में कॉन्फिडेंस फुल है, मैं कहीं पे भी अभी भी बोल रहा हूं अभी भी कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस ठीक है, बाद में कॉन्फिडेंस कमी आएगी, एक्टिंग अच्छी पूरी होगी, ठीक हो जाएगी कॉन्फिडेंस। तो खुश तो रहे, दुखी क्यों? कास्ट फॉर वेब लाइक Amazon Prime और Netflix या फिर किसी फिल्म के लिए तो एक्टर को चूज करने के लिए कोई डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं होता, बल्कि वेब पे आकर इतना अच्छा ज़्यादा टैलेंट वेब पे मिलता है, फिर हमको प्रेशर नहीं होता नॉन लोग कास्ट करने का, नया टैलेंट वहीं पर निकल जाता है। जवाब दे, क्या तेरा ध्यान रहा था? नहीं तेरा ध्यान देता बेटा, कोई लाउड वाइड कुछ नहीं, एक्टिंग तो कर ले पहले, जब तुझे थिएटर मिलेगा थिएटर कर ले, फिल्म मिलेगी तो फिल्म कर ले, एक्टिंग तो कर ले, बेसिक कॉम्पिटेंस तो ठीक कर ले, अलग अलग कुछ नहीं होता। थिएटर बहुत अच्छा मीडियम है, फिल्म एक अलग मीडियम है, डायरेक्टर आपको जैसा बोलेगा वैसा कर लो, आप लोग भांडो, आपसे जो कर रहे हैं वो करना पड़ेगा।
सर जैसे मैं एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो सर मेरे टाइम एडजस्ट जैसे एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए मैं कोई थिएटर ज्वाइन करूँ पर सर मेरा टाइम एडजस्ट नहीं हो पाता तो सर आप कोई तरीका जैसे बता सकते हैं मैं तेरा टाइम मैनेज कैसे एडजस्ट करूँ नहीं तरीका कोई और तरीका कि जैसे मुझे बता मैं तेरा टाइम एक सेकंड जवाब तो देने दे मैं कैसे एडजस्ट करूँ नहीं सर मैं टाइम एडजस्ट नहीं जैसे कोई और तरीका जिससे थोड़ा एक्टिंग इम्प्रूव हो सके अपने तीन चार दोस्तों को पकड़ जिनके साथ तेरी बहुत बनती है उन लोगों के साथ रात को एक घंटा सुबह एक घंटा एक नाटक पढ़ना शुरू कर घर का टेबल हटा चार लोगों के साथ मिलकर नाटक करना शुरू कर पहले तो यहाँ से शुरुआत कर घर की छत है दिल्ली में बड़े बड़े छत होते हैं छत पे जा चार लोगों को जो प्रेम की कहानी उठा प्रेम की कहानी को जेके का रोल बार उसको पहले पढ़ना शुरू कर जब पढ़ लेगा 15 दिन में तो पहले वहाँ से करना शुरू कर बेसिक से शुरू कर हर जगह थिएटर करने की जरूरत नहीं थिएटर तो घर के अंदर होता है Check, sir. I have sent zillions of mails to you guys and other casting people. I wanted to ask you guys, आप लोग मेल देखते हैं? सर मुझे बात बताइए क्योंकि हम तो 5-6 लोग हैं हमको दिन में 2-2.5 मेल आते होंगे. Exactly, sir. हम सब मेल को देखते हैं तभी तो इतने लोगों को बुला सकते हैं बेहतर तभी तो हमने इन्विटेशन रखा था कि हम इन्विटेशन देख के बुलाएं आपको हमने मेल को थोड़ा इसलिए थोड़ा कम हम मेल सब देखते हैं अभी हम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को देखते हैं बच्चा चाहिए ट्विंस चाहिए हम सबको रिक्वायरमेंट डालते हैं हमने इसलिए ऑफिस खोला कि अपना इन्विटेशन देके जाइए क्योंकि मेल में तो सभी कटरीना कैफ लगती है हर लड़का वरुण धवन लगता है तो उसको भी तो तोड़ना था हमको इसलिए इंट्रोडक्शन शुरू किया है पर आपका मेल सेफ है तभी तो खुला है तभी तो इतने लोग आ पाए ये तो कैसे आते हैं अगर आप अपनी उम्मीद और होप ही छोड़ देंगे तो कैसे काम करेंगे बिल्कुल सही बात नहीं तो सर क्या करना चाहिए लाइक आप तो रोज सुबह बंगला साहब गुरुद्वारा जाते हैं जी जी हाँ सर मैं थिएटर आर्टिस्ट हूँ मैं बेसिकली इंदौर से बिलोंग करता हूँ अच्छी बात है सर मैं एक पूरी एमपी की तरफ से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इंदौर में आपका कब स्टार्टिंग होगा क्योंकि इंदौर के आर्टिस्ट ने आप सबका बहुत मैं सोचा था अभी मेरा ये चंडीगढ़ अभी शुरू हुआ है नेक्स्ट वीक चंडीगढ़ में उसके बाद लखनऊ जा रहा हूँ मुझे जैसे जैसे अगर मैं थोड़ा तो और पैसा कमा लूंगा और जगह भी थोड़ा वक्त लगता है चीजों को खोलने में एक क्योंकि अच्छी टीम चाहिए होता है ऑफिस खोलने के चलाने के लिए आपको ढंग के लोग भी चाहिए होते हैं अगर मैं हर जगह तो फिजिकली नहीं पहुंच सकता हूँ अगर मेरे को अप्लाई किया हुआ जी भैया जी मैं बताता हूँ आपको पहले जवाब अगर मुझे मौका लगेगा तो मैं हर जगह खोलने की कोशिश करूंगा पर मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर टीम चाहिए क्योंकि पहले तो कास्टिंग डायरेक्टर होते नहीं थे अब इंदौर में भी मुझे पता है इंदौर में खोलना है पूना में खोलना है भोपाल में खोलना है ये सब जगह मुझे खोलना है पर मैं कब खोलूंगा क्या खोलूंगा क्योंकि अभी मुझे पता नहीं पर मैं खोलूंगा सर मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूं पर मैं मुंबई में था 1 साल तक तो मैंने आपके यहां अभी इंट्रो दिया जैसे मैंने बाकी सभी जगह दिया तो अभी तक वैसा कोई अवसर मुझे मिला नहीं कि मैं आपके साथ कोई ऑडिशन कर सकूं तो मुझसे मिल गया ना कुछ आपसे तो मिल लिया मैंने आज यहां भी इंट्रो दे दिया बेटा देख एक बात बताऊँ हमारा ये फील्ड ऐसा है ना किसी को 16 साल लगते हैं तो 10 साल लगते हैं अगर तू उम्मीद हर देगा ना तो नेगेटिविटी कुछ कर नहीं सकता मतलब 1 साल तूने बोला लोगों को 8-8 साल हो गए 20-20 साल हो गए तो टेंशन मत ले अगर तेरा होना हुआ तो हो जाएगा अगर तेरे नहीं पेशेंट रुके ज्यादा तो सर से पूछ मैं सर को कितने 20-25 साल से सर हर जगह दिखता है इतना काम करते हैं वो फिर भी इतनी शिद्दत से पहुंच जाते हैं तो सोच ना जी तो अभी जवान है मैं वही मतलब इंतजार ही कर रहा हूं खुशी खुशी इंतजार करना दुखी इंतजार मत सही बात खुशी खुशी इंतजार दिल्ली में रहता रात में चावल खा खुश रहे सर 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 सो बेसिकली आई कंप्लीटेड माय एक्टिंग कोर्स फ्रॉम महेश भट्ट थिएटर स्टूडियो इट्स इन दिल्ली सर बट नोबडी पेज एनी हीट टू इट एंड महेश सर डिडंट कम देयर एंड टेक एनी मास्टर क्लास And now I'm getting to know that before going to Mumbai, you should do some, you know, you should do some. No, beta, you should generally do Serum Center or NSD. So is that necessary? आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जाए सीखने के लिए, जिसके नाम का इंस्टीट्यूट है, उससे ट्रेनिंग नहीं हो तो मत करना। अगर आप AR Rahman को म्यूजिक करने जा रहे हो, तो AR Rahman म्यूजिक करेगा तभी जाना। अगर महेश भट्ट खुद पढ़ाने आ रहा है तो पढ़ना अनुपम के खुद पढ़ाने आ रहा है तो पढ़ना अगर मैं खुद आ रहा हूँ तो पढ़ना पीछे आगे पीछे लोग आए तो मत जाना सर इट्स बीन ऑलमोस्ट 6 years इन मुंबई एंड आई डिड नॉट नो दैट यू आर अ दिल्लीआइट लाइक मी एंड आई मस्ट टेल यू सर दे डोंट रियलाइज हाउ मच ऑफ अ प्रिविलेज इट इज टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद यू बिकॉज़ इन मुंबई आप यू जब से आप 120 में थे देन यू वर बिजी फिर आप जुहू मूव हुए यू वर बिजी एंड आई मस्ट टेल यू सर थैंक यू सो मच फॉर दिस आपने इतनी क्या समझ लो कि मेरा जो
अजय रैम आप लोगों में चलता है शाहरुख सलमान के से नहीं चलता बहुत आप एक रेगुलर थिएटर करना चाहिए कीप योरसेल्फ मेंटली बिजी फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर माइंड फर्स्ट टेक केयर ऑफ योर माइंड फर्स्ट एंड एक्टिंग इज वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड लाइफ इफ यू अंडरस्टैंड योर ओन सेल्फ थिएटर फॉर श्योर बिकॉज़ कीप मेंटली कीप यू बिजी लेट मी फिनिश भैया फास्ट जवाब दे दीजिए But I was wondering, like, you know, if there's anything improvisation or physical training that you would highly recommend. No, I don't. I really don't believe in an acting school concept. I don't like because they understand. Look, learn from kids, na. They're not in any school. They didn't go very acting school, but they do so well in life. Okay. So please guide us the way, na, because ab log sab ye bol rahe hain. Ye bilkul jitna typsy ko bhi niche way hai. Ab log. Hello, sir, sir, sir. मैं पी आर पे बिलीव नहीं करता हूँ मैं ऐसे काम पे बिलीव करता हूँ अगर मुझे पी आर तैयार करनी होती तो फिर मैं आप लोगों को नहीं मिल पाता मैम अगर पी आर पे काम मिलता होता तो दुनिया में इतने एक्टर लोग हैं वो मुझसे पैसे लगे पैसे काम कर लेते हैं आपको पी आर के पेपर में फोटो छपने की बात कर रहे हैं परसों पेपर में क्या था आपको याद है परसों पेपर में क्या था याद है तो फिर किस पे बिलीव कर रहे हैं बेटा पहले उसने पूछा था वेलकम बैक टू फोन नंबर मत दे देना होप मत लूज करने बेटा आपने डिसाइड किया है ये करना है तो होप मत आज नहीं कर लीजिए मेरे पास एक साल बाद अगर आपके अंदर उतना मेंटल प्रेशर लेने की हिम्मत है फाइनेंशली मेंटली सपोर्ट है मैं फैमिली का सपोर्ट है तो लगे रहो नहीं तो फिर बाकी के 20 साल जो बनने के पहले सब फ्रस्ट्रेटेड हो गए कुछ करने के लिए It's okay, next time you do it free, don't worry about it. बेटा आपसे सवाल कम बैक टू सर मैं थिएटर करता हूँ मेरा नाम मोहित डवास है और सर मैं बेसिकली सर जाट हूँ तो सर मैं जहाँ भी जाता हूँ सर बोलते हैं कि सब कि पहले अपनी लैंग्वेज ठीक करें कौन सर मैं मुंबई गया था कौन? सर मैंने बोला नहीं सर आपने नहीं बोला लेकिन सर ये जरूरी है सर एक ये लैंग्वेज चेंज करनी है जाट वाली और कौन लोग बोलते हैं जो लोग बोलते हैं उनका करियर बना लिया सो हेलो फ्रेंड्स मैं अभी वर्कशॉप लेके आया हूँ मतलब वर्कशॉप तो नहीं थी मतलब सर आए हुए थे तो सभी एक्टर से उन्होंने इंटरेक्शन किया और बहुत ही अच्छी चीज़ लगी मतलब ये सर की मतलब सबसे ही बात कर रहे थे वो ये नहीं था कि मतलब जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे सबके माइंड में तो सब उनका सर उनका आंसर दे रहे थे तो ऐसी कोई इतनी बड़े डायरेक्टर होने के बाद भी वो इतने पोलाइट थे इतने अच्छे थे तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और सर का ये पीछे ही मेरे जो पीछे है यही ऑफिस है आप यहाँ मंडे टू फ्राइडे आ सकते हैं और अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दे सकते हैं और अगर आपका कोई भी कैरेक्टर आएगा तो सर आपको डेफिनेटली बुलाएंगे और आपका लुक टेस्ट होगा और इसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है ये अभी सर गए थे मैंने सर से पूछा था तो सर बता रहे थे एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है कोई पैसा नहीं देना है तो दोस्तों आप भी एक्टर बन सकते हो आपको मुंबई जाने की कोई ज़रूरत नहीं है दिल्ली में रहते रहते भी आप यहाँ पर ऑडिशन दो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दो और सर आपको डेफिनेटली कॉल करेंगे सर की टीम आपको कॉल करेगी तो घबराने की कोई बात नहीं है ये मत सोचो कि मुंबई ही बहुत कुछ है यहाँ पे अपकमिंग प्रोजेक्ट आते रहते हैं और सर सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है बॉलीवुड में इंडिया के तो आप यहाँ आ सकते हैं और अपना इंट्रोडक्शन वीडियो दे सकते हैं और फिर सर आपकी टीम सर की टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी तो ठीक है बाय बाय दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं एक्टर जितने भी आपके दोस्त हैं उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचाना और वो लोग भी इधर आके साउथ दिल्ली में हौज खास C8 इनका एड्रेस है वो यहाँ पर आकर अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं बाय बाय जय हिंद